स्वयं स्वभावाप्ति राभावी कृष्ण कर्मिणः तस्मै सज्ञां रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बड़ी आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की, बड़ी आचार्य गुरुदेव सिंह ब्राग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, कल यहाँ पर आचार्य महाराज ने कर्म की व्यवस्था हम सब जीवों को बतलाई थी कि इस दुनिया में दो ही लोगों का राज है, दो लोगों का राज है। किसका है? या तो कर्मों का राज है और या फिर आत्मा का राज है। तो अपन देखें, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी देवी देवता हैं, और अपन देखें कि लगभग लगभग हमारे पूरे भारत वर्ष में जहां जाओ, जिस गली में चले जाओ, वहां कोई मंदिर जरूर मिलेंगे। जैसे दुकान मिलती है, ऐसे मंदिर भी मिलेंगे, और जिस गली में चले जाओ वहां कोई ना कोई देवी देवताओं का मंदिर तो है ना। तो ये आत्माओं की दुकान है। और अपन देखें, संसार में जहां चले जाओ, जिस दुकान में जाओ, जिस घर में चले जाओ, वहां हैरान परेशान लोग मिलेंगे। हैरान हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, है ना। और ये सब किसकी दुकान है? कर्मों की। अब अपन देखें, इस जीव पर कल अपन ने कहा था कि या तो अगर कोई व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ यदि आत्मा ही दिखाई देती है तो वो व्यक्ति उन कर्मों पर विजय प्राप्त कर लेता है, और जिस व्यक्ति ने आत्मा के गुणों को धारण करके विजय प्राप्त नहीं की तो उन पर कर्म अपनी विजय प्राप्त कर लेता है। तो या तो कर्म दबोच लेता है जीव को, या फिर जीव दबोच लेता है कर्म को। ये स्थिति है ना। तो ये स्थिति हमारे संसार की थी। कल अपन ने इस बात को यहाँ पर सुना था। अब यहाँ पर आचार्य महाराज ये बात कही थी और ये भी कहा था कि देखो, जीव ही जीव का कल्याण चाहता है और कर्म कर्म का। जैसे अपन कहते ना कि किसी मोहल्ले में एक भी मुस्लिम व्यक्ति ना हो और वहां पर कोई एक मकान बिक जाए और वो मकान किसी मुसलमान को दे दो, तो एक मुसलमान के आने पर वह उसकी इतनी एकता है कि एक मुसलमान क्या करेगा, आप एक मोहल्ले में घुस गया, अब अगर वहां कोई मकान बिक रहा होगा तो कुछ नजर रखेगा कौन सा मकान बिक रहा है, तो वो मुसलमान ही खरीद लेगा तुरंत, है ना। एक से दो, दो से तीन, तीन से पांच, पांच से पच्चीस, पचास पर सौ, दो सौ पर, पता चला कि पूरा मोहल्ला ही मुस्लिम हो गया, हिंदू भाग गए। तो ये व्यवस्था है, ऐसी ही व्यवस्था समझो कि अगर मान लो कोई कर्म है और यदि आप कर्मों से लड़ना नहीं सीख पाए तो एक एक कर्म उस मुस्लिम व्यक्ति की तरह, एक कर्म फिर दूसरा कर्म फिर तीन कर्म फिर चार कर्म, और कर्मों का जखीरा इकट्ठा हो जाता है। वो बसा लेते पूरा अपने शरीर को, रोगों का घर बना देंगे, परिणामों की विकृति लाके दे देंगे, सब काम गड़बड़ कर देंगे। बोले क्यों? बोले व्यवस्था यही है कि वो कर्म कर्म का उपकार करेगा, कर्म कभी जीव को नहीं बुलाएगा। कर्म क्या करेगा? अगर कोई गुंडे की लड़ाई हो जाए, या कोई गुंडा आए, एक अकेला आया और उसने क्या किया, एक दुकानदार के ऊपर दबाव डाला लूटने के लिए, पर क्या हुआ, 10 दुकानदारों ने मिलकर के उसको पकड़ लिया। तो भाई
है ना। तो ये बताओ वो गुंडा अकेला है तो क्या भागेगा? अब भागेगा और बाद में अगर आएगा तो किसको लेके आएगा? महाजन लोगों को लेके आएगा, महाजनों को, पुलिस को लेके आएगा? नहीं आएगा ना, पुलिस को लेके आएगा ना महाजन को लेके आएगा। किसको लेके आएगा फिर? वो अपनी ही जाति के जो उसी की तरह के काम करते हैं, लूटपाट का काम करते हैं, मारकाट का काम करते हैं, वो उन्हीं लोगों को ढूंढ करके 10 लोगों को ले आएगा। क्यों बहुत बोल रहे थे तुम, बहुत कर रहे थे, परेशान करेगा। और महाजन व्यक्ति क्या करेगा? महाजन व्यक्ति पुलिस के पास जाएगा, बड़े कुछ नेता मेता उनके पास जाएगा, भाई भैया देखो ऐसा है, वो परेशान कर रहा है, देखो ये ऐसा परेशान कर रहा है। तो जीव जीव को उपकार करता है और ना कर्म कर्म का उपकार करता है। तो कर्म कर्म को इकट्ठा करता है और जीव जीव को कर्म इकट्ठा करता है। तो अपन क्या है? अपन लोग क्या है? जीव भी है, अपन जीव है। जैसे अपन देखते हैं कि महाराज आए, अब गुरु जी आए, तो जीव, गुरु कौन है? जीव। तुम कौन हो? जीव। तुमने क्या किया? पकड़ लिया, इधर आओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम ये काम कर रहे हो, इसे तुम्हारी आत्मा डूब जाएगी। इसे तुम एक काम करो, है ना, नियम लो, संयम लो, अभिषेक करो, रोज पूजा करो, चौका लगाओ। तुमने क्या किया? तुम्हें तुम्हारे लिए धकेल दिया। किसकी तरफ? धर्म की तरफ। अब कर्म घबराने लगे लोग, कर्म बोल रहे लोग, मेरी दुकान छीन ली, मेरा एक ग्राहक इन गुरु के आने से छिन गया। और गुरु ने क्या किया? जो एक ग्राहक हमारे चंगुल में फंसा हुआ था उसको निकाल लिया, है ना। तो गुरु का ये उपकार है। गुरु क्या करते हैं? तुम्हें कर्म में फंसे हो तो उससे निकालते हैं। और तुम्हारी जो अनादि काल की जो क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, इससे तुम्हें निकाल देते हैं, बचाते हैं इससे। बचो 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 बचो, ये उपकार है उनका। तो यहाँ पर ये कल बात अपन ने देखी थी। अब यहाँ पर आचार्य महाराज आगे बढ़ते हैं कि दुनिया के लोग जब मोह होता है, मोह तो मोह खाली जीव से नहीं होता। देखो मोह तो हमें पीछे से भी हो सकता है, मोह हमें अपने कमंडल से भी हो सकता है, मोह हमें अपने बैग से भी हो सकता है। हमारा बैग कहाँ है? हमारा बैग कहाँ है? हमारा बैग कहाँ है? ये तुम्हारी तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम अपने बैग की बात कर रहे हो। मेरा बैग, मेरा बैग, मेरा बैग अच्छे से रख देना, मेरा बैग देख के ध्यान से रखना, तो मेरा बैग पहले उठा लाओ, मेरा बैग पहले ले जाओ, है ना। क्या है तुम्हारा बैग? तुम्हें ये अभी अपना अपना दिख रहा है, ये भी तो मोह है। खाली मोह, खाली ऐसा नहीं कि बहन से मोह हो या माँ से मोह हो या पिताजी से मोह हो, पत्नी से मोह हो। मोह तो चेतन से भी हो सकता है और अचेतन से भी हो सकता है ना। तो इस मोह के वशीभूत हो करके ना दूसरे रूप में नहीं जानते, दूसरे को दूसरे रूप में नहीं जानते, बल्कि मोह बस को पर पदार्थों को अपना मानते। मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा 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 कर रहे हो। क्या है मेरा? तुम्हारा है, मरने के बाद ले जाओ, तो होश नहीं जाएगा फिर। और जब तुम मरने के बाद नहीं ले जा सकते हो तो फिर क्यों चिल्लाते हो जिंदगी भर, मेरा है, मेरा है, मेरा, क्या है मेरा? तो दुनिया में लोग जिंदगी में पूरी चिल्लाते रहेंगे बस कि मेरा है, मेरा, क्या है मेरा तुम्हारा, है ना। तो कोई चीज तुम्हारी नहीं है, जो कुछ भी है तुम्हारी, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पास है और सामने वाले की भी आत्मा भी उसके पास है। तो इसलिए ना तुम उसका कुछ हित कर सकते हो ना अहित कर सकते हो। जो भी हित होगा अहित होगा सब गुरु कुछ नहीं करेंगे, निमित्त है बस। जैसे आईना घर में लगा हुआ है, वो से तुम्हें दिखा देता है कि दो तुम्हारे शरीर में दोष कहाँ हैं, बाल बिखरे हुए हैं कि चेहरे पे पाउडर कहीं ज्यादा लग गया है। तो ये सब आईना दिखाता है, ये काम गुरु कर देते हैं बस। बाकी तो काम सारा अपना खुद को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पदार्थों को अपना मानने लग जाना मोह के वश में हो करके, त्यों ही दूसरे का उपकार छोड़कर अपनी आत्म का उपकार करने में तत्पर हो जाते हैं। तो ये ज्ञानी की पहचान है, दूसरों को छोड़ करके काम लग जाता है। भैया अब हमें मतलब नहीं है दूसरों से, हमें तो मतलब है अपनी आत्मा से।
अब हम अपने आप को देखेंगे, हम अपने आप का कल्याण करेंगे, है ना। अब हमें कोई से मतलब नहीं। जब व्यक्ति को जैसे जैसे आत्मा से मतलब बढ़ेगा तो वो उसका मतलब बाहर से छूटता जाएगा। अब अभी ये लगता है पति ऐसा करे, बच्चा ऐसा करे, बेटा ऐसा करे, बेटी ऐसा करे, और जब मोह खत्म हो जाता है तुम्हें जो दिखाया सो करो। हम क्यों फालतू में कुड़े, हम क्यों फालतू में जले, हम क्यों फालतू में चिड़े, तुम जो करने करो, छोड़ दिया आपने बात। अब वो छोड़ दिया है तो तुम जाना, तुम्हारा काम जाने। ये जब हमें अपनी आत्मा से प्रीति उत्पन्न होती है तो संसार से हमको भीति उत्पन्न हो जाती है, डर उत्पन्न हो जाता है कि यार इनके चक्कर में अपनी क्यों गति बिगाड़ो, इनके चक्कर में क्यों मति बिगाड़ो, क्यों गति बिगाड़ो, अरे भैया छोड़ दो। तो यह ज्ञानी की पहचान है। अतः अज्ञानता को छोड़ो और ज्ञान को स्वीकार करो। तो जो हमेशा दूसरे का शरीर आदि पर पदार्थों का उपकार करता रहता है वह जीव अज्ञानी है। हम क्या करते, कर्ता बन जाते हैं, उसको ऐसा कर दो, उसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, इसको मंत्र दे दो, उसको वज्र क्यों दे दो, क्या हम मंत्र बांटने बैठे क्या, क्यों दे दे भाई अपना। हम अपनी खुद आत्मा कल्याण करने के लिए उपास कर रहे हैं, त्याग करें, तपस्या करें, जाप करें, है ना। अपन पंचम कारण वैसे कितना कर पा रहे हैं, अपन कितना कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, वो भी अपन दे दो ना। चलिए आचार्य बोल के नहीं, पर को अपना मान करके अपना तुमने लुटाया ही तो हमेशा, घर में थे तो लुटाया, अब मराज है तो लुटाओ, क्यों लुटाओ। या तो हम इतना साधना करें कि रोज उपास करें, 120 दिन है तो 120 दिन मतलब 25-50 दिन खाएं और बाकी सब उपास कर लें, हैं, खूब जाप करें, पूजा सोए ना, या कोई दूसरे और काम ना करें, तो चलो इतनी इतनी साधना कर रहे हैं तो इतना सा दे दिया कोई दिक्कत नहीं, पर करी इतना रहे हैं, अब इतना ही कर रहे हैं और इतनी बांट लें क्या फायदा, कल के दिन हमें कौन पूछने आएगा, फिर हमें कौन देखेगा। तो चलिए पहले खुद का कल्याण, स्वयं का कल्याण, बाद में पर का कल्याण। तो यहाँ पर आचार्य महाराज आगे यहाँ से कहता है कि किस उपाय से सौ और पर में विशेषता भेद जानी जाती है और उसके जानने वाले को क्या होगा, किस फल की प्राप्ति होगी। यहाँ पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं, गुरुपदेशादिदभ्यासात् संवित्ते सुपरांतरम् जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम्। यहां बोल रहे हैं कि जो मनुष्य गुरु के उपदेश से, जो मनुष्य गुरु के उपदेश को सुन करके फिर अभ्यास करता है और फिर अभ्यास करते हुए संवित्ते आत्मज्ञान से सौ और पर पदार्थों के अंतर को जानता है। किसके उपदेश से, गुरु के उपदेश से। गुरु ने बतलाया, गुरु ने स्वाध्याय कराया, गुरु ने ज्ञान दिया और उसके गुरु के उपदेश के बाद फिर करता है अभ्यास। खाली उद्देश्य भी नहीं, गुरु का उपदेश, स्वयं का अभ्यास और उस अभ्यास से जानता है कि मेरा क्या है और पराया क्या है। पराया में दुख है और स्वा में सुख है, इस बात को जानता है ना। सा वह निरंतरम, निरंतरम यानी निरंतर, रोज सदा ही मोक्ष सौख्यम, मोक्ष के सुख को जानता है ना। कौन, गुरु के उपदेश से। तो यहां पर ये बात कही गई, तो बोले कि गुरु के उपदेश के बिना कुछ हो ही सकता। अब अपन देखें सही मायने में, अब देखो कोरोना का आना पाप कर्म का उदय, ठीक है ना। अब कितने लोगों को अपने साथ ले गया, तो मर गए कि मर गए, कम से कम नहीं तो 70-80 लोग मर चुके हैं भारत में भी कोरोना से, है ना, और 1,00,000 के समथिंग पहुंचने वाले हैं मरने की संख्या। हाँ, तो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अब अपन देखो कोरोना, अब ये कोरोना
किसको परेशान कर रहा है? जिसने अपनी आत्मा के डब्बे में कर्मों को इकट्ठा कर लिया था। पहले से कर्म इकट्ठे थे, जैसे कहते ना अपन, जैसे योगेश अगर कहीं मोहल्ले में चोरी हो जाए, एक चोरी, दो चोरी, तीन चोरी, दस चोरी, तो पुलिस के ऊपर दबाव पड़ता है कि इतनी चोरी हो रही है लगातार, क्या हो रहा है भाई, पत्रकार लोग पेपर में निकाल देते हैं, तो पुलिस वालों की बेइज्जती चोरी, तो वो क्या करते हैं, मीटिंग करते तुरंत, पकड़ो चोरों को। अब किसकी नाम मस्तक पर लिखा है कि चोर कौन कर रहा है, चोर है कौन, तो लिस्ट निकाली जाती है कि ऐसे लोगों का रिकॉर्ड निकालो कौन लोग चोरी में फंसे हैं, पहले कभी चोरी में, ठगी विद्या में, इनको पकड़ो पहले, या तो ये पकड़े जाएंगे या फिर ये खुद बताएंगे कि कौन कर सकता है, रास्ता भी नहीं से मिलेगा। तो क्या करते हैं, जिनका रिकॉर्ड 2, 5, 10 साल का रिकॉर्ड है, जो कभी कभी चोरी में पकड़े गए थे, कभी कोई जेब काटने में पकड़े गए थे, कभी कोई ठगने में पकड़े गए थे, तो उन लोगों को पकड़ लिया जाता है। थोड़ा जाओ भैया मुझे क्यों पकड़ा, अब वो व्यक्ति पुलिस जो है चोरी के लिए कोई साहूकार को पकड़ ले जाएंगे, ले जाएंगे क्या, कि तरह सीढ़ी जाओ, क्यों चोरी हो रही है बहुत, कभी कुछ पुलिस कहेगी नहीं, किसको कहेगी, जिनको रिकॉर्ड थाने में दर्ज है, चाहे वो 10 साल पुराना हो, चाहे 5 साल पुराना हो, चाहे आज का हो, उनको तो पकड़ेगी। ऐसे कोरोना ने क्या किया, धरपकड़ किसकी जा रही है, जिनके रिकॉर्ड खराब है, पहले से उनके दर्ज है, तो क्यों कहा गया ऐसा, भैया वो लोग बच के रहना जिनको बीमारियां हैं, उन पर अटैक कर रहा है, जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, फलाना है, डकाना है, तो कुछ कंडीशन रखी गई, रखी कंडीशन है लोकेश, कोरोना के लिए कंडीशन रखी गई, रखी है कि कोई बीमार हो, शुगर हो, फलाना हो, डकाना हो, बाईपास हो, ऐसा हो, वैसा हो, ये लोग बच के रहें, और जो खतरे से संपन्न है उनसे आपको तो डरने की जरूरत है, बचने की, पर डरने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा करने की जरूरत है। फंसा कौन, फंसे वो लोग जिनको ना कोई परेशानी थी ना, तो ये पुलिस की तरह जैसे उन्होंने छापा मारा, पकड़ लो जो छुप के रहे, बच के रहे तो बच गए, फिर भी कई लोग उसमें छुपने पे भी बच गए, पकड़े गए, आ जाओ बेटा कितने छुपोगे, तो ये हो गया। अब आचार्य महाराज बोले कि ऐसे ही गुरु के उपदेश से क्या होता है कि जब हम कर्म करते हैं तो पकड़ा कौन जाता है, जो कर्म कर रहा है, जिसके कर्म पहले से हुए हैं। और कर्म कैसे होता है, कोई भी व्यक्ति एक साथ 100 चोरी नहीं कर सकता, 100 चोरी करने के लिए कम से कितने साल लग जाएंगे उसको, चोर को है? एक चोरी करने के लिए 15 दिन लग जाते हैं, एक महीना रैगी करने में, देखो जांच पड़ताल करो, है ना, अपन कहते हैं, कहते हैं भैया चोरी हुई है, पक्के में जानकार व्यक्ति ने की है, उसको पूरा मालूम है, अलमारी कहाँ थी, उसी कमरे में गया है, उसी का ताला टूटा है, और उसी का फलान, जानकार है, तो जानकार उसको, जो अनजान व्यक्ति तो चोरी करके चला नहीं जाएगा, इसका मतलब है कि उसको पूरी नॉलेज है ना। तो ऐसे ही अपन देखें कि हमारे पास कर्मों की संख्या एक नहीं, दो नहीं, कितनी चोरी का बड़ा चोरी यानी अपराध जो है हमारे पुराने, उन अपराधों के कर्म इकट्ठे हैं हमारे पास। तो कोरा ने कहा चला जाओ बेटा, अभी तो हम ही हिसाब किताब निपटा रहे हैं, क्यों अपन देखो जब से कोरोना आया है 5 महीने से और बीमारियों के नाम कम आ रहे हैं, जो देखो वही कोरोना, जो देखो वही कोरोना, ऐसा लग रहा है जैसे सारी बीमारियों ने कहा जब तक तुम हो तब तक हम लोग साइलेंट हो जा रहे हैं, सारे कर्म सो गए एक तरफ, अब कोई नहीं कह रहा कि हमें अटैक पड़ गया, कोई नहीं कह रहा कि हमें जे हो गया, कोई नहीं कह रहा हमें कैंसर हो गया, कोई नहीं कह रहा हमें टीबी हो गया, सीधे सीधे कोरोना, कहा जा रहा है कोरोना, कहा जाए कोविड 19 सब निपट गया, चाहो पन्नी में लपट के जाओ, हो नहीं हो गया ऐसा, तो कोरोना ने कहा तुम लोग शांत बैठो, हम देखते हैं, बहुत हो गए, सुनते नहीं है अब हमारे पास, तो क्या है एक पुलिस होती है, एक मिलिट्री होती है, पुलिस वाले तो क्या करते हैं भैया, पकड़ के ले जाएंगे, रिमांड लेंगे, फिर पेश करेंगे कोर्ट कचहरी में, है ना, जजमेंट होगा, और मिलिट्री तो क्या करता है, स्टूडेंट
मिलिट्री क्या करती है, मिलिट्री को कोई केस मेस नहीं करती है कि आओ पकड़ो, हथकड़ी बांधो, ले जाओ कोर्ट कचहरी में, ले जाओ रिमांड करो। तो क्या देखा पाकिस्तान घुस रहा है और गोल मैच तक एक बार काम करता। तो कोरोना ने कहा अभी तो बेटा पुलिस का राज चल रहा था, अब मिलिट्री आ गई है, यहाँ कोई पेशी नहीं होती है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, यहाँ तो सीधे सीधे स्टूडेंट्स आउट। इधर भाई एकदम कहाँ गए, कोरोना से चले गए, ना शकल दिखाने की जरूरत है, ना रिश्तेदारों को इकट्ठे करने की आवश्यकता है, दो लोग जाओ और सीधे जला जुलू करके वापस आ जाओ। हैं? तो इतना खौफ, इतना खौफ किसका, कोरोना का। तो बोले क्यों, तो बोले कि सोचो जब एक कर्म का ये हाल है, एक कर्म का ये हाल, अब आचार्य महाराज और क्या बोल रहे हैं। ये तो हो गया जिनने पिछले किए, ध्यान रखना। अब एक बात को आप अग्नि सुनो, ये तो हो गया पिछले कर्मों का हिसाब किताब, कोरोना निपटा रहा है, कोरोना आगे की लिस्ट भी तैयार कर रहा है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, अब कैसे लिस्ट तैयार कर रहा है, देखो अपन ये देखें कि जो आगे की रूपरेखाएं हैं उसमें अपन देखें कि अपन लोगों ने, अपन लोगों से क्या करवा दिया, सरकार ने कहा देखो मंदिर बंद करो, सरकार ने क्या दिया, मंदिर बंद करो, सारे काम बंद कर दो धर्म के। अब सारे वेद पुराण तो कहते हैं कि सारे दुखों की दवाई है कि धर्म करो, और इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा करवा दिया कोरोना आने से कि सब बंद करो। अब आज अपनी डेट में देखें सब चीज चालू हो गई, प्रथम चीज बंद, आज भी बैन है, आज ही बैन है कि नहीं। अब कभी किसी व्यक्ति ने इस पर गौर नहीं किया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अब सुनो मैं बताता हूं, ये बंद करने का जो निर्णय है ये भी कोरोना की एक साजिश है। अगर तुम धर्म करोगे तो हम तुम्हें मार कैसे पाएंगे, ये बताओ। अगर तुम धर्म करोगे, पूजा करोगे, अभिषेक करोगे, साधु को आहार दोगे, चौका लगाओगे, तो नियम है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म कर रहा है उसकी स्वच्छता होनी है, उसको मार नहीं सकता। जैसे बताए ना कंगना रनौत, सारा बंबई एक हो जाए, पर अमित शाह जी ने क्या किया, बाय सुरक्षा दे दो, बाय सुरक्षा दे दी, 20 सैनिक चले गए। अब 20 कमांडो चले गए, उन्हें घेर लिया चारों तरफ से, अब पूरी बंबई एक हो जाए, कुछ कर सकती है उनका, नहीं कर सकती, घूम रही हो बॉम्बे में। तो जिसको बाय सुरक्षा चाहिए तो धर्म करना पड़ेगा, उसको धर्म करना पड़ेगा, तो धर्म के कमांडो तुम्हारे साथ हो जाएंगे, तो फिर घूमो, तो कोई कुछ बिगाड़ सकता है ना। पर तुमने क्या किया, कोरोना ने, सरकार ने मिलके क्या किया, कोरोना ने भी और सरकार ने भी मिलके सबसे पहले तुम्हारी सुरक्षा हटा दी, समझ रहे बात को मेरी, क्या कह दिया उन्होंने पहले, सुरक्षा हटाओ, क्योंकि अगर कोई अमालो हमला करना है कंगना रनौत पर तो सुरक्षा को हटाना पड़ेगा किसी न किसी तरह से, सुरक्षा हट जाए तो आप हमला भी कर सकते हो, मारपीट सकते हो, पर सुरक्षा है तो कुछ कर सकते हो। तो हमारे पास जो सुरक्षा थी वो हटा दी गई, हटा दी गई। अब पकड़ लो जिस चाहे को, चाहे सेठ हो तो पकड़ लो, सोने काम करने वाला तो पकड़ लो, कोई हो उसको पकड़ लो, सबको पकड़ो, निपटाओ, चलो पकड़ो पकड़ो फटाफट पकड़ो, निपटाओ इनको फटाफट पटाओ, है ना। बोले क्यों, सोचे हटा दी तो पहले से, और दूसरा क्या कर दिया, समझाना मैं जी ना, सोचा हटा दी पूरी मानने के लिए। अब तीसरी चीज देखो, नंबर तीन क्या कर दिया, और नए कर्मों का आश्रय भी करवा दिया, नहीं रोकने वालों को। अब ये परिचय बताओ, जो बेचारी कमेटी है, जो व्यवस्थापक लोग हैं, आदेश ऊपर से हो गया, कभी देखो भाई धर्म के कोराम नहीं होंगे, धर्म कोराम नहीं होंगे, तो एक तो उनने कर्म बांधा पहले, उनने एक्शन ले लिया, क्या क्या दिया, तो क्या क्या दिया उन्होंने, पहले उनने मना कर दिया कि धर्म के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, कह दिया, क्या दिया बताओ, तो पहले उन्होंने रोका। अब बेचारे क्या करें, कमेटी क्या करे बेचारी,
ऊपर से आदेश है। अब कमेटी चली तो बेचारी कमेटी ने क्या किया, उनको भी मना करेगी। अब कोई बेचारा पूजा करने आ रहा है तो कमेटी क्या करेगी, पूजा करो। तो अब जे भी कर्म बन रहा है रोक रहे हो, क्योंकि धर्म कह रहा है कि जो आठ कर्म होते हैं, आठ कर्मों में एक कर्म अंतराय भी है। एक अंतराय कर्म है ना, अंतराय कर्म है ना। तो बोले कि अंतराय मुनि महाराज के अच्छे खासे आहार के लिए मुनि राज खड़े हो गए चौके में हैं, और चौके वाले पूरी थाली लगाई, सब्जी भी है, रोटी भी है, पूरी भी है, पराठे भी हैं ना, जूस भी है, दूध भी है, सब कुछ है। और महाराज जी मन बना के गए कि चलो आहार कर आए यार ना। और वहां पे जाके क्या हुआ, मुनि महाराज के जैसे अपने ग्रास दिया, चटनी दी, उसमें बाल आ गया। क्या हो गया बताओ, क्या हो गया, अंतराय हो गया। अब मुनिराज से पूछा कि भाई अंतराय क्यों हो गया, मुनि महाराज ने क्या चिंतन किया, बोले मैंने भैया किसी के काम में अंतराय डाला था, इसलिए आज मेरे भोजन में अंतराय आ गया। मैंने भी अंतराय डाला था, मुझे अंतराय आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है। वो है तो दोनों का, पर अंतराय किया ना, किया था तभी तो आया। आदिनाथ भगवान जी ने क्या कहा था, ये ऐसी तो व्यवस्था बनाई थी, जैसे अभी सरकार ने व्यवस्था बनाई कि धार्मिक प्रोग्राम मत करो, ठीक है ना, नहीं हो रहे धार्मिक प्रोग्राम। तो ऐसे तो आदिनाथ भगवान ने कहा था कि उनका सर जी ये जो बैल है ना हमारी फसल खा जाते हैं, तो उन्होंने भी आदेश पारित कर दिया, एक काम करो बैलों के मुंह में वो बांध दो छीका, खा नहीं पाएंगे जी। छीका बांध दिया, किसके कहने से बताओ, किसी कहने से, आदिनाथ के कहने से छीका बांध दिया। अब छीका बांध दिया तो जिसने आदेश दिया था उसके लिए 13 महीने 8 दिन तक आहार नहीं मिला, भोजन नहीं मिला खाने को। वो तो रोज जा रहे थे खाने के लिए पर मिला ही नहीं। बोले क्यों नहीं मिला, बोले तुमने उपदेश दिया ना कैसा कर दो, तो अंतराय किया तुमने बैलों के लिए खाने में, जिसे तुम्हारे लिए भी अंतराय होगा 14 महीने का। तो अब बताओ इस कोरोना ने क्या किया, तीसरा पॉइंट क्या आ गया कि तुमसे नए कर्म ही बंधवा दिए, नए कर्म बंधवा दिए। अब बेचारे क्या कर रहे हैं, अब तो कमेटी बेचारी क्या करे, हमने बताया ना कमेटी है मंदिर की। अब ये भी जरूरी है कि पूजा भी हो जाए, अभिषेक भी हो जाए, भगवान जी ठाकुर साहब ऐसे भी ना बैठे रहे हैं। तो क्या कर रहा है, अब कोई मान लो 20 लोग आ गए, अभिषेक के नहीं 20 लोग आ गए, कोई अभिषेक है ना। अब एक व्यक्ति क्या कर रहा है, कर्मों से भी बचने की कोशिश कर रहा है, 20 लोग आए हो चुपचाप बैठ जाओ, चिंता मत करो, एक एक करके कर लियो, जाओ एक दो चले जाओ, दो कर आओ, फिर दो फिर चले जाना, रोक नहीं रहे हम किसी को, पर दो दो करके कर आओ। 20 लोग को निपटा दिया, कर्म का बंद नहीं हुआ। पर तुमने क्या किया, आदेश तो था, पता सबको भगा दिया, 18 लोगों को भगा दिया, 2 से करवा लिया। अब 18 लोगों को जो तुमने अंतराय किया है वो दोष किसको लगेगा, तुम्हीं को, दोष को। हम लोग जो जब प्रवचन करने जाते हैं जेल में, जब जेल में प्रवचन करने जाते हैं तो जैसे हमने योगेश से कहा, योगेश देखो व्यवस्था देखो, अपन जेल में चलेंगे प्रवचन करने के लिए। वो गए पूछने के लिए जेलर से, सर जी हमारे महाराज साहब हैं और उनका प्रवचन जेल में होना चाहते हैं, करना चाहते हैं वो। तो जेलर साहब ने कहा हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कब करना चाहते हैं, नेक्स्ट संडे को, ठीक है, कितने बजे से, कहीं 11 बजे से या 10 बजे से या 9 बजे से या 2 बजे दिन में। अब बात क्या आएगी, जब महाराज घोषणा करेंगे यहाँ से कि महाराज श्री अगले संडे को जेल में प्रवचन करने के लिए जाएंगे। अब सबकी इच्छा होती है, इन महिलाओं की इच्छा होती है, महाराज जेल में जाएंगे प्रवचन देने के लिए, हाँ हम भी चलेंगे, मान के देखना चल लेना, ठीक है ना। अब वो क्या हुआ, वहां पर अब योगेश गए पूछने के लिए जेलर साहब से, सर वो कितने लोग आ जाएंगे उनके साथ। देखो भैया 20 लोगों से ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्या बोल दिया उन्होंने, 20 लोगों से ज्यादा जेल के अंदर नहीं जा सकते। तो ठीक है,
अब वो क्या हुआ कि अपने का ठीक है 20 लोग नहीं जाएंगे, 20 लोग से ज्यादा नहीं जाएंगे, पर क्या हुआ वहां तो पहुंच गए 80-90 लोग। जब महाराज निकले यहाँ से तो 80 लोग पहुंच गए, तो अब क्या हुआ 80 लोग एकदम झुंड के झुंड, जब देखा लोगों ने तो वहां जेलर बोला देखो भाई छोर मत ना कोई भी, सिर्फ 20 लोग जाएंगे 20 लोग। अब 20 लोगों के नाम जो अपन लिस्ट दे दी थी, लिस्ट बना के दे दी गई जेल में, बंटी अजय विवेक फलाना टिकाना योगेश बंटी नाम दे दिए। और पता चला क्या हुआ जो 20 लोगों की लिस्ट दी उनके अलावा वो दूसरे लोग खड़े हैं, और पहले घुसने की तैयारी कर रहे थे जिनके लिस्ट में नाम नहीं था, तो लिस्ट वालों को तो ले लिया अंदर। अब जेलर, अब दो व्यक्ति ऐसे छूट गए जो महाराज के खास ही हैं, शुक्ला छूट गया, मान लो शुक्ला छूट गया, ये विवेक छूट गया, कैमरा मैन अपन चाहते यही पहुंच जाए अंदर यार, तो वीडियो बना लेंगे कम से कम है, और इनका नाम था नहीं लिस्ट में, लिस्ट बनाने वाला ही भूल गया क्या ना। अब वो क्या हुआ अब हम क्या करेंगे, महाराज ने बोल दिया छोटे महाराज ने कि भाई जेलर साहब वो दो व्यक्ति अपने हैं, कैमरा मैन है, वो शूट करेंगे अंदर। गुरुजी आप चिंता मत करो, आप जाओ आप अंदर पहुंचो, अभी थोड़ी देर बाद सबको ले लेंगे, चिंता मत करो। अब क्या हुआ उन्होंने 20 लोगों की लिस्ट तो पहले पहुंचा दी, ये हो गया नंबर एक का काम, जो रूल्स हैं, जो रूल्स बने हुए हैं ये हो गया, रूल्स के अनुसार 20 लोग अंदर पहुंच गए और अपन मंच पे जाके बैठ गए, सब लोग बैठ गए जाके सबके उन्होंने क्या किया सबके हाथ है वो लगा दिया सील लगा दी। अब 25-50 लोग जो अभी खड़े हैं वो भागे थोड़ी ना वापस, अभी भी खड़े हैं। तो जेलर ने क्या किया, अरे माता शोर मत करो सबको ले चलेंगे अंदर, रुक जाओ रुक जाओ। अब उन्होंने कहा सर जी, और अपने बड़े साहब से कहा सर जी अभी वो 25-50 महिलाएं हैं जो गुरुजी के साथ आई हैं, अब वो भी कह रही हैं प्रवचन सुनना है, हम भी अंदर जाएंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करो सबके नाम लिख लो और सील लगा दो और ले जाओ, कोई बात नहीं। अब रूस क्या है 20 लोगों का, और करवा किसके दिए, कितने लोगों के, 70 लोगों के। रूस भी टूटा, रूस भी रूस का फॉलो भी कर दिया पहले 20 लोगों के साथ, और 50 लोगों के धीरे से व्यवहारता के साथ फ्री कर दिया, जाओ और प्रवचन भी हो गए और 70 लोग वापस आ गए, है ना। और अब सोचो 70 लोग अंदर हैं, 70 लोग अंदर हैं, पर एक साथ 70 लोग नहीं निकलेंगे महाराज, पहले 20 निकलेंगे, वही जो एक नंबर की लिस्ट वाले हैं पहले वो लोग 20 निकलेंगे। जेलर साहब क्या बोलते हैं, गुरुजी निकलेंगे पहले, सबसे पहले तो गुरुजी। अब गुरुजी के बाद जो 20 लोग हैं वो अपने नाम और वो सील दिखाते जाओ, योगेश हाँ हमें योगेश ये दो सील लगी ठाटी जाओ चल जाओ, ऐसा करके 20 निकाल दिए पहले। अब उनको जो 70 लोग हैं उनको निकाल देंगे, जाओ निकल जाओ। तो रूस भी टूटा, पर अब उन्होंने क्या कर दिया, तो उनकी व्यवहारिकता भी बढ़ गई। अब आचार्य महाराज बोले कि ऐसे ही इस कोरोना काल में भी ऐसे हुआ। अब कई लोगों ने तो क्या किया, धीरे से व्यवस्था एक दो करके व्यवस्था करके पूरे सबको दर्शन भी करवा दिए, सही पूजा भी करवा दी। और कई लोगों ने क्या किया, रूल्स फॉलो के चक्कर में अंतराल भी पाल लिया, दब छुला ली, डब्बी बकटक दी, उठा दिया पकड़ गए व्यवस्थित, चलो धक्का देकर भगा दिया। तो अब देखो है तो कोरोना वो तो बात सही है, मगर तुम्हें कोरोना तो है, जो पूजा करने आया ना उसको कोरोना है ना, तुम्हें कोरोना है तो कहो उसको आया है तो उसको बड़े प्यार से समझा के भगा दो, प्यास कर दो, हाँ ऐसे कर दो। तो इस प्रकार से तो जो आपने व्यवस्था बना दी धीरे से तो आप कर्म से बच गए, और नहीं तो आपने क्या किया, आपने आगामी काल के लिए कर्म बांध लिया। तो इस कोरोना ने क्या किया, पिछला हिसाब किताब चुकता किया पहले तो, और नए नए जो हैं नए कैंडिडेट भी तैयार कर दिए, नए कैंडिडेट भी तैयार कर दिए। चलो बेटा अब तुम अभी तुम भी तुम्हारा खाता खोल दिया है, फिर तुम्हें बाद में निपटाएंगे, तो तुम खाता शुरू कर दिया तुम्हारा, ये भी हो गया नाम लिखा गया तुम्हारा। तो कर्म का बंध, तो कर्म का बंध कितने प्रेम से प्रवेश करता है, कितने, इसलिए व्यवस्थापक का बड़ा गड़बड़ है बेचारे का काम, व्यवस्था का हाँ, लोगों से बुरे हो जाओ, कर्मों से बुरे हो जाओ, सबसे बुरे हो जाओ, है ना। ये तो बोले इसलिए बड़े ठंडे पानी से नहा करके, ठंडा पानी पी करके व्यवस्था बनाते जाओ, बड़े प्यार से मोहब्बत से, है ना, सबका ध्यान रखते हुए। फिर कोरोना तो भाई अभी 2 महीने का, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल का है, पर हम तो हमारी समाज तो पूरी जिंदगी भर के लिए है,
है ना, कुछ जिंदगी दी है कि नहीं बताओ, तो उसको निभाना पड़ेगा, निभा कहते ना सांप का सांप मर जाए और लाठी की लाठी ना टूटे, ऐसे काम कर लो इस प्रकार से। तो महानुभाव कहने का अर्थ यही है कि हम सभी लोग इस कर्म व्यवस्था को अगर समझ जाएं तो हमसे दोष ना लगे। अगर हम कर्म व्यवस्था को समझ जाएं कि कर्म व्यवस्था क्या है, ये कैसे कैसे हम ही से, एक बात ध्यान रखना, इसको सबूत चाहिए पहले, चाहे बीमारियां हो, कोई भी कर्म हो, कोई भी वायरस हो, जब तक तुम्हारे हिस्से में कोई कर्म नहीं होंगे तो कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बताओ, अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मान लो योगेश जी किसी व्यक्ति की गलती नहीं है, ना चोरी है, ना चकारी है, ना कोई लूटपाट है, ना कोई झगड़ा है, तो पुलिस वाले तुम्हें क्यों सताएंगे? ये बताओ, पुलिस की गाड़ी भले तुम्हारे सामने खड़ी रहे, तुम्हारी दुकान पे बैठ भी जाए, कहो पानी भी वहीं पिए, चाय भी वहीं पिए, पर तुम्हें फिर परेशान नहीं करेंगे? हैं? चाय का ठेला है, वहां खड़े हो गए, चाय भी पी रहे हैं, गाड़ी खड़ी आराम से, और ग्राहक भी बैठे खूब सारे, 50 ग्राहक भी चाय पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, अब उनको पुलिस वालों को, पुलिस वालों का बीड़ी पीने वाले को डर लग रहा है क्या? हैं? चाय पीने वाले डर लग रहा है क्या? ठप्पे से वो समोसा खा रहा है, पुलिस को दिखा दिखा करके, पुलिस वाले क्या कहेंगे? समोसा क्यों खा रहा है, मुझे दिखा के, कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, ये तू अपना खरीद के खा रहा है, ये खा, है ना? तो कोई दोष नहीं, जब तक आपका कोई भी एक शिकायत नहीं होगी या आपका कोई दोष नहीं होगा, तो पुलिस, जब आप पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तो कोरोना बिना दोष के तुम्हें पर कैसे अटैक कर देगा? बताओ, बताओ, हैं? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना, तो कैसे कर देगा? तो कहीं ना कहीं कौन पकड़ में आएगा? पकड़ में वो ही आएंगे जिन्होंने, जिनका रिकॉर्ड खराब है, जिन्होंने, जिनके पास कोई ना कोई दोष है, जिनकी आज की शिकायत नहीं है, पिछली शिकायत है। मैंने कहा ना चोरी तुमने एक साल पहले की थी, पर शक के घेरे में आ जाओगे। हैं? बताओ, ड्रग्स के मामले में अभी बॉम्बे में जो घटना चल रही है, पकड़ी गई तो एक लड़की है, पर उस एक लड़की के चक्कर में 10-15 लोग पकड़े गए, और अभी हो सकता है कि 8 दिन और रुक जाए, तो उस चैट के आधार पे पता चल रहा है कि तुमने कहां का दोष किया। तो कर्म भी तो यही करता है, कर्म भी आपके पिछले चैटों को देख करके, हिसाब किताब निकाल करके फिर तुम्हें परेशान करता है। चलो भाई आ जाओ, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम तो पूछ लो इनसे, इनसे पूछ लो, हम तो रोज अभिषेक करते हैं, हम तो रोज पूजा करते हैं, हम तो रोज अभिषेक करते हैं, फिर आप हमें क्यों, है ना, COVID-19 में हमें क्यों ले जा रहे हो? उन्होंने कहा बेटा आज की तो तुम पूजा पाठ कर रहे हो, पर पिछली चैट देख लो तुम अपने उठा के, पर पिछले कर्म जितने हैं उनके आधार पर ले जा रहे हैं तुमको अभी। समझ में आया ना? पिछली चैट के अनुसार, और पिछली चैट में हमने क्या किया था? पिछली चैट में करने के लिए सिर्फ काम तो वही है, नो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, और जो काम तुमने किए हैं, देखो अच्छे में करो तो जो काम होंगे, बुरे में करो तो जो काम होंगे, और ये 9 काम ही ऐसे हैं कि 9 काम हमें नरक ले जाते हैं, यही 9 काम हमें तरस गति में ले जाते हैं, और इनसे बचो तो 2 गति नीचे वाली हैं, 2 ऊपर की हैं, इनसे जितना बचोगे तो मनुष्य गति में चले जाओगे, और ज्यादा बचोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे, और पूरी तरह छोड़ दो तो मोक्ष में चले जाओगे। सीधा सीधा फंडा है, और कोई है ही नहीं ये चीज, गलत सीधा सीधा गलत है। धारण कर रहे हो तो नीचे, कि धारण करोगे तो मति खराब होगी, क्रोध करोगे तो मति खराब नहीं होगी, गुस्सा आएगा तो शिद्दत करना होगा, शिद्दत करना चालू कर देगा, माथा गर्म हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हो नहीं हो रहा तो क्रोध, ऐसी मान, सारा किसी ने पूछा नहीं, ध्यान नहीं दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, नफरत कर दिया, मान तो उसमें भी माथा गर्म हो जाए, शरीर गर्म हो जाए पूरा, फिर मायाचारी, मायाचारी करो तो उसमें भी माथा गर्म, पकड़ ना ले, हमने ऐसा कर तो लिया है, किसी पता भी नहीं है, किसी पता ना चल जाए तो उसमें भी बुखार आ जाए, और लोग
लोभ में तो व्यक्ति पाप करेगा करेगा, तो उसमें भी कसाई होगी, तो लोभ में भी पड़ा हुआ व्यक्ति डरेगा, बचेगा, कोशिश करेगा। तो कसायों ने क्या किया, तुमने बिगाड़ दिया, नहीं किया तो कर्म क्या करेगा, तो मति बिगाड़ेगा पहले, फिर मति जब मति बिगड़ेगी तो गति अपने बिगड़ जाएगी। गति को बिगाड़ने के लिए मति की आवश्यकता है, जिसकी बिगड़ी मति उसकी बिगड़ी गति, जिसकी सुधरी मति उसकी तर गई गति, उसकी ऊंची हुई गति। तो गति और मति दो चीज, दोनों चीजें हैं बस, अच्छे में भी और बुरे में भी। बुरा काम करो तो ऐसे जाएगी गति, अच्छा करो तो ऐसे जाएगी, बस दो ही चांस है, बस अप अप डाउन, या तो अप है या डाउन है, बस या ऊपर की ओर जाती है या नीचे की ओर जाती है, बस। क्योंकि तिरंज गति और नरक गति नीचे हैं, स्वर्ग गति ऊपर की ओर जाती है, मोक्ष भी ऊपर की ओर जाता है। तो ऊपर जाना है तो बस अच्छे काम करना चालू करो, अच्छा दो, अच्छा कैसे करें बताओ, अच्छे के लिए क्या करना पड़ता है, अच्छे के लिए तीन चीजें, आंखें हैं हमारे पास इनसे अच्छा देखो, कान है हमारे पास इनसे अच्छा सुनो, मुंह है हमारे पास अच्छा बोलो, हैं शरीर है हमारा अच्छे काम करो, बस बस इनको साधना है, इनको साध लो सारे काम सिद्ध जाएंगे अपने आप, और कुछ करना ही नहीं है ज्यादा। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि गति अच्छी बनाने के लिए श्री पर चढ़ाने की आवश्यकता है, गति अच्छी मति अच्छी बनाने के लिए है ना तुम्हें पूजा करना है, अभिषेक करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मति अच्छी करना है बस। ये तुम्हारी अच्छी रहेगी तो वो तो तुम्हें एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। आप अपना मकान तो है ही, एक्स्ट्रा मकान इकट्ठे कर रहे हो है ना, तो ये एक्स्ट्रा भक्तियां हैं, अभिषेक करना, पूजा करना, साधु के विहार करवाना, आहार करवाना, चतुर्मास करवाना है ना, पजना करवाना, ये सब काम क्या है, एक्स्ट्रा नंबर ढूंढ रहे अपन, एक्स्ट्रा है ना, एक्सीलेंट उपाधि कैसे मिलेगी, एक्सीलेंट है कि बच्चा देखो कैसा है, एक्सीलेंट ना, क्या है एक्सीलेंट भाई, बच्चे तो सब एक से हैं नहीं, इस बच्चे का पावर, इस बच्चे की दिखाई, इस बच्चे के नंबर सबसे हटके हैं, इसलिए एक्सीलेंट है ना। तो बस तो जी अगर एक्सीलेंट बनना है, एक्सीलेंट बच्चा बनना है, तो आपको पूजा है, अभिषेक है, साधु का विहार है, आहार है, दान है, पूजा है, ये सब इससे एक्सीलेंट बनने के लिए, बाकी काम मती का है, मती अच्छी रखो। मगर एक्सीलेंट नहीं बन पाओ तो कम से कम हम अच्छे श्रावक तो बन जाएंगे, तो श्रावक बनने के लिए मति अच्छी चाहिए और साधु बनने के लिए भी अच्छी मति चाहिए ना, बहुत ज्यादा अच्छी मति चाहिए साधु बनने के लिए और कम से कम मति अच्छी चाहिए श्रावक बनने के लिए। इसलिए दोनों ही गति है, बस श्रावक और साधु। इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि अपनी मति को अच्छा करें, अच्छी मति को करके जिससे गति अच्छी हो, ऐसी भावना हमें रखना चाहिए। बोलो महावीर भगवान की।